और यहाँ पे पानी भर के रख लिया है, साथ अब वो मैंने काट दिया। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे। और आज 22 मार्च दिन बुधवार है और आज से शुरू है नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि नहीं, ये तो चैत के नवरात्रि हैं, सॉरी, ये चैत के नवरात्रि शुरू हो गए हैं आज से। तो पूजा की तैयारी जो थी, जो चौकी की व्यवस्था थी और जो जो पूजा की सामग्री वगैरह जुटानी थी, वो सारी मतलब मैंने कल ही सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि एक दिन के दिन तैयारी करो तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, समझ में भी नहीं आता है। तो सारी तैयारी जो थी वो मैंने कल ही कर ली थी और आज पूरा मंदिर मैंने सजा दिया था। नहा धो के पहले मैंने देवी जी की स्थापना कर दी थी, जो जहाँ पे मुझे सबका जो जो मतलब देवी देवता जहाँ जहाँ बिठाने थे मुझे, वहाँ वहाँ उनका सबका आसन लगाकर मैंने उन्हें सबको पहले उनका आसन दे दिया और उन्हें वहाँ पर स्थापित कर दिया। कलश की भी स्थापना कर दी और जो जौ बोते हैं मट्टी में वो भी मैंने कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर शुरू कर दी अपनी पूजा। पूजा में मतलब जैसे पूजा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पूजा तो करनी मुझे नहीं आती है, जो जो मुझे समझ में आता है, जैसा जैसा मतलब हमने देखा है वैसा वैसा कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा विधि विधान से पूजा करनी मुझे नहीं आती है, जैसा जो समझ में आता है वैसे कर लेती हूँ, जो जो मतलब मुझे अपने आप से लगता है अपने मन से वैसे ही पूजा करती हूँ। तो मैंने माता रानी का जो श्रृंगार था उसमें जो बिंदी चूड़ी और बिछुए वगैरह सिंदूर वगैरह माता रानी को चढ़ा दी, उनका श्रृंगार कर दिया और उनका तिलक करने के बाद जोत जगा दी और दिया वगैरह धूपबत्ती वगैरह सुलगा के मैंने यहाँ पर जो हवन होता है वो जो गाय के गोबर का जो उपला रहता है कंडा भी बोलते हैं, उसी को मैंने चूल्हे पर पहले सुलगा लिया था और उसी में ये जो सामग्री वगैरह है वो सब मैंने कल ही तैयार कर रही थी, उसी से हवन कर दिया। लौंग बतासा का माता रानी को लगा दिया भोग और उसके बाद यहाँ पर इसमें रख दिया मैंने कपूर, जिससे कि हवन जो है वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये छोटा रोज़ जो डेली वाला करती हूँ वो तो छोटी छोटी मतलब केवल 9 आहुति ही देती हूँ, बहुत बड़ा हवन डेली का नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने बताया ना कि बहुत ही ज़्यादा विधि विधान से पूजा मुझे नहीं आती है करनी, जो कुछ समझ में आता है जैसा वैसे कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने पूरी इनकी मतलब सभी को अपना आसन देके सबकी पूजा तिलक वगैरह कर दिया, गणेश जी को शंकर जी को जनेऊ अर्पित कर दिया और सबका आसन लगा के पूजा करके हवन करके मैंने यहाँ माता रानी की आरती कर दी पहले, और उसके बाद ऊपर कर दी मैंने विष्णु भगवान की आरती और लास्ट में करूँगी मैं हनुमान जी की आरती। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा कर ली संपन्न यहाँ पर। और ये ये है कोल्ड ड्रिंक की, दो लीटर में आती है, ढाई लीटर में आती है, मतलब शायद ढाई लीटर वाली है ये। तो ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, इसको इसका जो नीचे का हिस्सा था वो मैंने काट दिया और ऊपर का हिस्सा काट दिया, क्योंकि इसकी जरूरत है मुझे जोत के लिए, क्योंकि जो जोत जल रही है कमरे में है तो कमरे में पंखा चलेगा, तो उसकी सेफ्टी के लिए इसकी जरूरत है। और यहाँ तक भी मैंने चाय बनने अपनी मेरी बन गई है, चाय वैसे बन गई है, बस थोड़ी सी खोल जाए और इसको मैंने जब तक सेट कर दी, इसे मैंने मतलब धो लिया है, धो धा के शुद्ध कर लिया है। और ये जो जोत है ना
मैंने काट दिया था कि ऊपर से भी इसकी जो है वो गैस पास होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पंखा की हवा इसमें नहीं लगेगी क्योंकि इसकी बोतल की भी काफी ऊंचाई है और सेफ हो गई है। तो इस तरीके से मैंने जो है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। ये जो बॉक्स रखा है इसमें सारे भगवान के कपड़े रखे हैं चेंज करने वाले। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी आपके ऊपर बनाए रखे कृपा। और आप सभी लोगों ने भी माता रानी का खूब स्वागत किया होगा, आज तो सभी ने भगवती मैया का स्वागत किया है। और मेरी भी मतलब छोटी सी कोशिश रही है उनको बुलाने की, उनको उनका स्वागत करने की। तो आज से नवरात्रि शुरू है, ये भी काफी लंबा त्योहार है, 9 दिन तक ये त्योहार चलता है। तो अभी मुझे ये पता नहीं है कि मैं मतलब पूरे व्रत रखूंगी या नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो कुछ सही नहीं रह रही है 10-15 दिनों से। ना तो ठीक से खाना खा रही हूँ और सर में दर्द बना रह रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर बुखार है, ऊपर से कभी कभी हरारत लगती है लेकिन कुछ बुखार सा लग रहा है। अब पता नहीं, जो माता रानी की इच्छा होगी वही करूंगी। और मैंने यहाँ भगोने में ये भगोना माज के और यहाँ पे पानी भर के रख लिया है, ये मुझे जब प्यास लगेगी तो मैं इसी में से पी लूंगी, क्योंकि किचन में जो है मेरा इनका और बेटे का तो है नहीं, तो खाना वगैरह रखा है, बार बार जा रहे हैं तो इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है कि उसमें हाथ डाल दें या उसी में से ले लें। तो मैंने अपना पानी जो है वो यहाँ पर रख लिया है। और यहाँ पे मैंने एक ये मिट्टी का दिया ले लिया है, इस मिट्टी के दिए में और एक ये रुई की लंबी बाती इसमें मैं इसमें डाल दूंगी और इसमें भर दूंगी तेल, क्योंकि जब बत्ती को हमें बढ़ाना होगा या मतलब जैसे बत्ती में कभी कभी ऐसा होता है ना, जलते जलते फूल आ जाता है जिसकी वजह से वो अच्छे से प्रॉपर जल नहीं पाती है। तो उसके लिए कि मैंने ये एक मिट्टी का दिया ले लिया और इसमें ये बत्ती डाल दी और तेल भर दिया है, क्योंकि जब मैं इसे मतलब उसकी बत्ती अगर हमें आगे पीछे करनी होगी तो मैं पहले इसे जला लूंगी, उसके बाद उसे बत्ती का ऊपर नीचे जो भी करना है वह बाद में कर दूंगी। तो इसे मैं यहीं पर रख देती हूँ ज्योत के पास ही। मेरे पास वो जो चिमटी सी आती ना पिलर जैसा, वो क्या बोलते हैं उसे, तो फिलहाल अभी मेरे पास वो नहीं है। तो मैंने ये एक पिन रख रखी है बत्ती को ऊपर खींचने के लिए। और मैंने पहनी है ये देखिए ये वाली साड़ी, इसका कैमरे में कलर पता नहीं कैसा आ रहा है, एकदम पिंक सा आ रहा है, बट इसका जो कलर है ना जैसे गाजर का कलर होता है, गाजर वाला कलर है, पता नहीं ये लाइट में कैसा कलर आ रहा है इसका। ये साड़ी बहुत एकदम हल्की है, बहुत अच्छी है। पहले मैंने ये साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, फिर मैंने इसे यही डाल दिया। अब इसे पहले मैं यही पहनने जा रही थी, पर इसे पहनने में जो है बहुत टाइम लगता तो मैंने इसे नहीं पहना। मैंने कहा इसे बहुत टाइम लगेगा, पूजा के लिए हो रही थी मैं बहुत लेट, तो अब मैं इसे पहले फोल्ड करके रख दूं फिर पीऊंगी मैं चाय। तो इसे भी मैं फोल्ड करती हूँ। और इधर मेरी चाय भी जो है वो खोल गई है, तैयार हो गई है चाय भी, तो आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। और अभी मैं चाय पीऊंगी, अभी मेरा कुछ और खाने का मन नहीं है, क्योंकि चाय बहुत जरूरी है, चाय पहले मिल जानी चाहिए, बाकी कुछ मिले या ना मिले तो बाकी को कुछ खाना पीना होगा तो बाद में दोपहर में बनाऊंगी। और वीडियो करती यहीं पर एंड। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे, कुछ भी अच्छा लगा हो आपको मेरी वीडियो में, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपकी एक लाइक से ना मुझे एक हौसला मिलता है, कहते ना कि जो मोटिवेशन होता है वो मिलता है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।